सो हे गाइस, दिस इज अभय झा और आज हम लोग देखने वाले हैं इस असूस के टफ लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। सो क्या ये बेस्ट लैपटॉप है स्टूडेंट्स के लिए, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में अगर रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स गेट इनटू वीडियो। तो ये है हमारा लैपटॉप, और जैसा कि हम देख सकते हैं ये लैपटॉप यहाँ पर आपके सामने आपको देखने को मिल जा रहा है, और ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। डिज़ाइन वाइज भी बेजल्स काफ़ी कम है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक RGB बैकलेट वाला कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो ये है आपका लैपटॉप, मैं इस एंगल से भी आपको दिखा देता हूँ। अब चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं क्विकली। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अनबॉक्सिंग होगी, और सबसे पहले बॉक्स को खोलने के बाद आपको वाइट कलर के पैकेट में आपको देखने को मिल जाता है आपका लैपटॉप, और उसके अलावा कुछ यूज़र मैनुअल आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस टाइप का, और उसके अलावा एक और ऐसा ही टाइप का आपको देखने को मिल जाता है यूज़र मैनुअल जैसा ही पेपर वर्क, जिसमें कुछ ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। और उसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है लैपटॉप का AC अडाप्टर, जो कि 150 वाट का है, और इसकी रेटिंग अगर आपको पढ़नी है तो वो भी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो चलिए, अब इसके अलावा आपको बॉक्स में मिल जाता है एक पावर कॉर्ड, जो कि कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है आपको, और उसके अलावा कुछ स्क्रूज आपको देखने को मिल जाते हैं ये वाले, जो कि मुझे नहीं पता किस पर्पज़ के लिए दिए गए हैं, तो अगर आपको पता होगा तो कमेंट्स में लिख देना। अब चलिए अपने मेन लैपटॉप को निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा मेन लैपटॉप, और फर्स्ट लुक काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और ये रहा हमारा लैपटॉप ओवरऑल। इसे हटाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये कीबोर्ड है, जो कि RGB बैकलिट है, अभी थोड़ी देर में आप देख भी लोगे। तो चलिए अब इसे ऑन करते हैं पहली बार, और ये हो गया ऑन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी रेड जला हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में कलर्स चेंज होंगे, और ये पूरा का पूरा एक RGB है। तो आप देख सकते हो अब ये है इफेक्ट, और आप देख सकते हो किस प्रकार से कलर्स चेंज हो रहे हैं यहाँ RGB बैकलिट के। तो आपको यहाँ देखना है तो आप देख सकते हो, और साथ ही मैं यहाँ पर कुछ कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। अब चलिए हम इसकी बैटरी लाइफ की टेस्ट लेते हैं। तो दिन के 1:30 के आसपास बज रहे हैं, और यहाँ पे फुल बैटरी है। तो मैंने यहाँ कुछ कुछ YouTube वीडियोस चलाए हैं, और भी कुछ कुछ बेसिक काम किया है, ठीक है ना, बेसिक मतलब नॉन GPU इंटेंसिव काम किया है, मतलब ओवरऑल करते रहे दिन भर, और शाम को मतलब कि कैसी बैटरी मतलब कि आपको देखने को मिल जाती है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ओवरऑल मेरा यहाँ पर मानना ये है कि शाम तक 20% बैटरी बची हुई थी, और करीब जैसा कि मैंने खुद कैलकुलेट किया उसके हिसाब से मतलब मुझे करीब 5 घंटे के आसपास बैकअप मिल गई थी, 4.5 से 5 घंटे के आसपास, और 20% और बैटरी बची हुई थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर आपको आराम से 6 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाएगी नॉर्मल यूसेज में, आप ये देख सकते हो प्रूफ। और बॉटम के जगह पर पीछे में एयर इनटेक के वेंट्स दिए हुए हैं, तो कूलिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ साइड्स में स्पीकर्स हैं। तो अब चलिए यहाँ पर थोड़ी सी बेंचमार्किंग हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बूट टाइम। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर एक SSD लगी हुई है NVMe वाली 500 GB की, तो इसीलिए बहुत फास्ट बूट टाइम होगा, और आप देख भी सकते हो। और यहाँ पर सेकेंड में आपको देखने को मिल जाता है Adobe Premiere Pro का बूट टाइम, तो आप देख सकते हो। दैट इज़ वाई इन सारी चीज़ों को मैंने बीच में फास्ट फॉरवर्ड या कट नहीं किया, ताकि आप खुद देख लो कितना टाइम लगता है यहाँ पर लोड होने में, ताकि कुछ लोग ऐसा ना कहे कि मैं फेक रिव्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर भी अंडर 20 सेकेंड्स बूट हो जा रहा है, मतलब 20 सेकेंड्स के आसपास। और यहाँ पर फोटोशॉप का भी आप देख सकते हो बूट टाइम, तो वो भी करीब वही 20 सेकेंड्स या अंडर 20 सेकेंड्स बूट हो जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर मैं मानता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर करेंगे, ये देखिए फोटोशॉप खुल गया। तो इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक सिनेबेंच R20 भी कर लेंगे प्रोसेसर की परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है, तो आप देख सकते हो
यहाँ पर राइजन 7, यहाँ पर 16, 15 सी भी यहाँ पर मिले हुए हैं इसे, यहाँ आप देख सकते हो। और इसके बाद हम लोग एक क्रिस्टल डिस्क मार्क चला देंगे SSD बेंचमार्क करने के लिए। तो ये है परफॉर्मेंस रिजल्ट्स, आप देख सकते हो। और यहाँ पर हम लोग एक CPU-Z का भी बेंचमार्किंग यहाँ पर चला दे रहे हैं। तो आप ये सब देख सकते हो, मतलब पॉज करके देख सकते हो अगर आपको देखना है तो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। इस लैपटॉप के तो बहुत सारे प्रोज हैं, जैसा कि आपने बेंचमार्क्स में देख लिया होगा, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, GPU लगा हुआ है, गेमिंग भी कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी का काम कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इस लैपटॉप में कुछ कॉन्स भी है जो कि आपको देखना ही पड़ेगा, आप उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। सबसे पहली चीज कि ये जो लैपटॉप है, जैसा कि आप देख सकते हो, इस लैपटॉप का डिस्प्ले है, इसे आप जब उठाते हो तो आप सिंगल हैंड से नहीं उठा सकते हो। ये देख सकते हो कितना भारी है, अगर मैं नीचे में सपोर्ट छोड़ दूं तो ये खिंचाने लगेगा, आप देख सकते हो। तो जब टेबल पर रखा हुआ है तो इसे सिंगल हैंड से खोलना ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर दोनों हाथ लगाकर, यहाँ पर एक हाथ लगाकर ही इसे खोलना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा कौन है इस लैपटॉप का। दूसरा सबसे बड़ा कौन है कि आप देख ही सकते हो, ये देखो, ये आपको थिकनेस दिखाई दे रही होगी यहाँ से यहाँ तक। तो बहुत सारे जो नोटबुक्स आते हैं, जैसे कि MI नोटबुक या मैकबुक हो गया, तो जैसे स्लिम टाइप के लैपटॉप्स, तो वहाँ पे थिकनेस बहुत ही कम रहती है। तो यहाँ इस लैपटॉप में थिकनेस यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साथ ही में आप देख सकते हो ये कितना भारी लैपटॉप है, ठीक है ना गाइस। तो इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर आप एक ओवरऑल लैपटॉप खोज रहे हो इस बजट में, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान देना पड़ेगा कि इसका कितना वजन है, कितनी थिकनेस है, कितना स्लिम है, और इससे खोलने में कितनी मेहनत लगती है, आप देख सकते हो। इन सारी चीजों को भी आपको कंसिडर करना चाहिए इस लैपटॉप को खरीदने से पहले। तो ये थे इस लैपटॉप के कॉन्स। तो यहाँ पर GTX 1650 GPU लगा हुआ है 4GB VRAM के साथ, और साथ ही में एक 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले भी लगा हुआ है। सिस्टम रैम यहाँ पर 16GB है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरे 144 FPS में आपका PUBG Lite Ultra सेटिंग्स में फुल HD में कैसा आपको यहाँ पर इतना स्मूथ आपको देखने को मिल जा रहा है। और फाइनली हम लोग बात करते हैं कि क्या ये लैपटॉप बेस्ट लैपटॉप हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी 60,000 rupees के आसपास के बजट में अवेलेबल होकर। तो मेरा आंसर यहाँ पे होगा यस, बट साथ ही में आपको कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी कि बैटरी लाइफ यहाँ पर मतलब ठीक है, एवरेज से थोड़ी ऊपर कह सकते हैं अगर आप नॉर्मल यूज करो तो। लेकिन अगर आपको और बैटरी लाइफ चाहिए तो आप MI के नोटबुक या मैकबुक के भी साथ जा सकते हो, तो वहाँ बैटरी लाइफ आपको इससे ज्यादा देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा उन लैपटॉप्स में आपको यहाँ पर स्लिम प्रोफाइल भी देखने को मिल जाता है, यानी कि थिकनेस काफी कम रहेगी, आप इसे सिंगल हैंड से भी खोल सकोगे और इसका वजन काफी कम रहेगा। तो अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में रख रहे हो और आपको वैसा ही एक लैपटॉप चाहिए कि चलो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें, कि चलो 16GB की जगह 8GB भी रैम मिल जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं लैपटॉप को ऐसे ही मतलब कि हर जगह यूज़ करना चाहता हूँ, ले जाना चाहता हूँ, तो मुझे ज़्यादा भारी नहीं लगना चाहिए, मुझे क्विकली मैं इसे खोल सकूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंसिडर करते हो तो आपके लिए वो सारे लैपटॉप्स भी एक ऑप्शन हो सकते हैं जिनके बारे में मैंने बात किया है, MI के नोटबुक और मैकबुक। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और साथ ही में आपको एक काफी अच्छा लैपटॉप चाहिए फॉर द प्राइस, तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। 90% लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा, काफी अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आप पतले लैपटॉप्स के साथ जाना चाहते हो, ज्यादा बैटरी लाइफ चाहते हो या ऐसा कुछ, तो आप उन्हें भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी इस लैपटॉप को अगर आपको परचेस करना है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ जाके परचेस कर लो Amazon से। और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके इस बारे में कि ये लैपटॉप काफी अच्छा है इस प्राइस रेंज में और स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है। और साथ ही में आप यहाँ पर नीचे में कमेंट भी लिख कर सकते हो अगर आपको कुछ क्वेरीज है या कुछ नहीं समझ में आया तो। सो दैट्स ऑल गाइस, and I'll catch you up in the next one. Till then, thanks for watching guys, and yeah, be around with me and support karte rahiye mujhe mere channel ko subscribe karke, saath hi mein mujhe Facebook, Twitter aur Instagram par bhi follow kar lijiyega social media par।